नमस्कार आदाब, पीपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, पिछले 24 घंटों में 504 नए कोरोना संक्रमित, 893 हुए डिस्चार्ज, 20 की हुई मौत। कर्नाटक, लोकप्रिय नहीं जनहित नेता चाहती है जनता, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने कही ये बात। कर्नाटक के बीदर जिले में भगत सिंह यूनियन द्वारा शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने केपी न्यूज के माध्यम से अपील की कि शहीद भगत सिंह की जन्मदिवस को सरकार द्वारा भी मनाया जाए। बीदर में लगातार बारिश से लोग हो रहे हैं परेशान, जनजीवन हुआ प्रभावित। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने किया बीदर का दौरा, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हावेरी उपचुनाव में हमारी जीत निश्चित। वीके इंटरनेशनल बीदर के अध्यक्ष बैजनाथ कमठाने को डॉक्टरेट मिलने पर स्टाफ ने दी बधाई और किया सम्मानित। कर्नाटक, 30 अक्टूबर को दो राज्य विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। बीएसपी एमएलए रामबाई ने दिया ग्रामीणों को ज्ञान, 1000 तक की रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं। पूर्णिया, स्कूल पहुंचते ही भावुक हुए आईएएस टॉपर शुभम, पैर छूकर शिक्षकों का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने देश को समर्पित की 35 फसलों की विशेष किस्में, NIBST कैंपस का किया उद्घाटन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सांस लेने में तकलीफ, एम्स में भर्ती। जम्मू एंड कश्मीर, सेना ने उरी में पकड़ा पाकिस्तानी आतंकी, घुसपैठ करते एक को किया ढेर, भारी गोला बारूद बरामद। यूपी चुनाव, प्रियंका गांधी का चेहरा, केरल मॉडल का सहारा, कांग्रेस का 2022 का प्लान। पश्चिम बंगाल, 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर चुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 30 अक्टूबर को होगा मतदान। बरेली, धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा दानिश का राम बनना, मिल रही जान से मारने की धमकियां। राजस्थान, रीट एग्जाम में लापरवाही पड़ी भारी, अलवर में सहायक लेखा अधिकारी निलंबित। जैसलमेर, ब्रिज के फाउंडेशन के लिए खोदे गए गड्ढे में भारी बारिश से भरा पानी, डूबने से युवक की मौत। चंडीगढ़, कंबल में छुपा था सांप, 3 बच्चों को डसा, 2 की हालत गंभीर। भारत ने फिर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, यूएन में कहा कि मैं खराब करने के बजाय अपना हाल देखूं। गुजरात में जब 3000 किलो हीरोइन मामले में शिमला से 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। मंडी में हाईवे पर कार और पिकअप में भिड़ंत, 26 साल के डॉक्टर की मौत, काफी घायल। अफगानिस्तान को मदद की पहली खेप जल्द भेजेगा चीन, तालिबान ने कहा थैंक यू। अमेरिका ने बनाया हाइपरसोनिक हथियार, रूस चीन तक मचा सकता है तबाही। पाकिस्तान में 16% तक बड़ी बेरोजगारी, चपरासी पद के लिए मिले 15 लाख आवेदन। पाकिस्तान में है 12 खूंखार आतंकी संगठन, 5 का टारगेट भारत, CRS की रिपोर्ट। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।